What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 17 जुलाई 2020 सुबह के 8:20 हो रहे हैं। फ्राइडे है, हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। कल वीकली एक्सपायरी का दिन था, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट था। रेंज बाउंड ट्रेडिंग हमें इंट्राडे टाइम फ्रेम में देखने को मिल रही थी। इस महीने में खासकर इंट्राडे टाइम फ्रेम में एक स्लगिश पैटर्न दिखाई दे रहा है, एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी ज़्यादातर ट्रेड कर रहा है। तो ट्रेंडिंग मार्केट इस समय नहीं है, तो आज के इंट्राडे के लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 16 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,677। ये आप 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट देख रहे हैं। निफ्टी इंडेक्स एग्जैक्ट ओपन हुआ जहां पर हमने सेकेंड टारगेट को मार्क किया था, और वहां से ये एक प्रॉफिट बुकिंग, एक करेक्शन छोटा सा आ रहा था। लेकिन जैसे कि एक्सपायरी का दिन था और ये जो शॉर्ट यहां से बन रहा था, ये शॉर्ट कवरिंग हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिली। हालांकि ब्रेकआउट लेवल को काफ़ी देर ये पेनेट्रेट कर रहा था पूरे दिन भर, तो जैसे ही इसने ब्रेकआउट लेवल को यहाँ पर ब्रेक किया तो फर्स्ट टारगेट के पास इसने शुरुआत में एक रेजिस्टेंस फेस किया, तभी 10,692 ये टारगेट अचीव हुआ। और उसके बाद एक स्लगिश हुए में मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, हमारे भी ब्रेकआउट लेवल के पास एग्जैक्ट ये पेनेट्रेट कर रहा था। और लास्ट मूवमेंट जब लास्ट हाफ एन आवर बचा था तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल ब्रेक करने के बाद फर्स्ट टारगेट फिर से और सेकेंड टारगेट 10,709 ये भी अचीव हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग काफ़ी एक्यूरेट लेवल साबित हुए। अगर ट्रेड करते तो 20 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 15,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। जो हमारे नए सब्सक्राइबर्स बन रहे उनके लिए मैं ट्रेडिंग फैब के बारे में बताना चाहूँगा। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे अंडर ओपन करते हैं तो आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। इसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट इन तीनों में से एक अकाउंट, यानी आपको यहाँ से क्लिक करना है। अगर मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो एक वेब पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है, कंटिन्यू करना है। ऑनलाइन प्रोसेस है अकाउंट ओपनिंग की, एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अगर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपका क्लाइंट आईडी है, हमें इस नंबर पे कॉल करके आपको कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। और एक ऑफर है अपस्टॉक्स की तरफ से, अगर आप अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करते हैं तो नेक्स्ट 30 डेज के लिए आपको कोई भी ब्रोकरेज नहीं लगेगा, एब्सोल्युटली फ्री होगा। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट वैसे भी फ्री है। मनी कंट्रोल का जो प्रो सब्सक्रिप्शन प्लान है ईयरली, वो आपको फ्री में मिलेगा, वो 2,000 रुपीज़ के आसपास है, तो ये भी आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिलेगा। ये ऑफर जो है वो वैलिड है 21 जुलाई तक, तो जल्दी कीजिए। ये अगर आप अकाउंट ओपन भी करते हैं तो आप हमारे इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप भी आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। तो ये एक ऑफर के बारे में इंट्रो था आपके लिए। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं सबसे पहले। कल US मार्केट में एक कमजोरी देखने को मिली, नासडैक 76 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुआ, यूरोपियन मार्केट्स भी लाल निशान में बंद हुए। लेकिन आज जब एशियाई बाजार देखने को मिल रहे हैं तो सभी इस समय ऑलमोस्ट हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं। SGX निफ्टी भी 76 पॉइंट की बढ़त इस समय दिखा रहा है। डाउ फ्यूचर को देखें तो 60 पॉइंट की अपसाइड इस समय हमें देखने को मिल रही है, तो अभी एशियाई बाजारों से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था, तो अभी ये 76.4% के लेवल के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, और इसने अभी फिर से, आज लास्ट दिन है वीक का, तो अभी ये आज कैंडल कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी का सीनारियो ऐसा है कि इसने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर अभी ये ट्रेड कर रहा है, क्लोज हुआ है। आज का दिन अगर ये इसके ऊपर सस्टेन होता है तो हमें 11,184 के लेवल्स भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी फिलहाल वीकली चार्ट में ये पॉजिटिव बात है कि ये तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये क्लोज हुआ है। आज देखते हैं निफ्टी इंडेक्स यहाँ से कंटिन्यू रैली दिखाता है या नहीं। डेली चार्ट पर अगर देखें तो कल इसने
अगर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें तो इसने एक हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यानी जब भी डाउन साइड में ये एक हैमर कैंडलस्टिक आता है तो यहाँ से उम्मीद की जा सकती है, प्रोबेबिलिटी होती है कि एक अपसाइड मूव यहाँ से हमें देखने को मिले। हालांकि ये जो हैमर बना है यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग भी हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल का हाई और लो के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, यानी अभी यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल, ये जो रेड कैंडल है इसका हाई और लो यहाँ पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल का काम कर सकते हैं। अगर हम डेली चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को अगर हम ड्रॉ करते हैं तो हमने देखा कि ये 23.6% का ये जो लेवल है ये अराउंड 10,575 के पास है। तो इस लेवल को इसने लास्ट 3 दिन एक रिस्पेक्ट दिखाया, सपोर्ट दिखाया, तो अगर यहाँ से ये इस लेवल को, ये क्रूशल लेवल बन जाता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेली चार्ट में फर्स्ट सपोर्ट यहाँ पर होगा जो कि 20 EMA का पिंक लाइन है 10,500 के पास, और ऊपर जाते वक्त इसे फिर से 10,900 के पास इसको कंफर्टेबली ये जो हर्डल है ये पार करना होगा, तो ही यहाँ से अपसाइड मूव कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जैसे वोलेटाइल मार्केट हमें कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यू हमें इस महीने में देखने को मिल सकता है। तो ये दो लेवल्स यहाँ पर काफ़ी क्रूशियल है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट थ्रू हमने ये इसको ड्रॉ किया। अगर हम ये स्विंग हाई लो को पकड़ के फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को अगर ड्रॉ करें, ये स्विंग हाई लो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऊपर में 10,817 का ये जो लेवल है यहाँ पर इसने कितने दिन यहाँ पर एक हर्डल फेस किया है। तो 10,817 एक मेजर हर्डल है जहाँ पर ये जो इनसाइड बार ट्रेडिंग बना है इसका हाई भी उसी लेवल के पास है। तो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर ये चला जाता है तो 10,900 नेक्स्ट हर्डल होगा, जहाँ पर हमने मंथली चार्ट में देखा था 20 EMA उसी लेवल के पास आ रहा है। तो 10,900 को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए तभी अपसाइड मूव यहाँ से कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे सकती है। तो ये डेली और वीकली चार्ट का एनालिसिस था। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखें तो हो सकता है यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बने, ये फर्स्ट बॉटम ये सेकेंड बॉटम, लेकिन अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये प्रोबेबिलिटी है। अगर इसके नेक लाइन को ये ऊपर आके कंफर्टेबली ब्रेक करता है तो यहाँ से फिर से हमें ज़बरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिल सकती है। अदरवाइज जहाँ से ये ऊपर नेक लाइन के पास आया आप देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग फॉल आया है, तो ये जो लेवल है 10,800 के पास ये काफ़ी क्रूशल बन जाता है। यहाँ पर अगर ये रेजिस्टेंस फेस करके फिर से नीचे आता है तो निफ्टी में हमें फिर से एक बार टूवर्ड साउथवर्ड मूव देखने को मिल सकता है। तो ये पैटर्न बनने की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है, ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो आज के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा ये, जहाँ पर ये काफ़ी दिन इस लेवल के पास ही अटक रहा था, यानी 10,818 ये हमारा ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, एक क्विकली छोटा सा टारगेट होगा 10,832, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा R2 का लेवल जो कि 10,856 के पास है, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ मूव करता है तो जहाँ पर कल हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था, यानी ये लेवल जहाँ पर ये काफ़ी टाइम पास्ट में भी ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, हो सकता है अभी आज भी अगर ये टूवर्ड साउथ की तरफ आता है तो इसका सपोर्ट टेस्ट करें, तो ये लेवल अगर ब्रेक होता है जहाँ पर पिवट पॉइंट का भी लेवल आ रहा है, यानी 10,687 को कम्फर्टेबली अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन बना सकते हैं। कल हमने देखा कैसे ये ब्रेकआउट लेवल को पेनेट्रेट कर रहा था, तो ये लेवल आज हमारा ब्रेकडाउन लेवल हो सकता है। तो इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,669, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 10,640, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।